अभी अभी अनाउंस हुआ है कि हमारी ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। गार्ड साहब ने इसे ट्रेन को रुकवाया है क्योंकि उनका पूरा जो कोच था ना, बिल्कुल विंटेज लुक। बहुत दिनों के बाद ऐसे जर्नी करने आपने बनी है कि पहली ऐसी ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो कि एक साथ तीन तीन ट्रेन को मेंटेन करती है, मतलब एक साथ उस पर तीन तीन ट्रेन जो है जा सकती है। कुछ लगा हुआ है, देख लो भाई साहब, वही है बिना एसी वाला चेयर कार। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत मेरे एक और नए ब्लॉग में, मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। तो आज जो हमारी रेल यात्रा होने वाली है वो होने वाली है 13306 सासाराम धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि एक डेली ट्रेन है जो कि पहले चलती थी डेहरी ऑनसोन से धनबाद के बीच में, लेकिन इसे 7 महीने पहले ही एक्सटेंड किया गया है सासाराम से, यानी 20 किलोमीटर पहले एक और स्टेशन पड़ता है डेहरी से सासाराम, जो कि मेरा होम टाउन भी है। तो यहाँ से ये ट्रेन चलेगी धनबाद के लिए। तो बात कर लूँ इस ट्रेन के नंबर के बारे में, तो 13306 मैंने बताया आपको, और ये ट्रेन चलती है सासाराम को, सासाराम से शाम के 3:25 पे, और आपको धनबाद पहुँचाएगी रात के 10:20 पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार ब्लॉग की, इस ट्रेन जर्नी की, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेन के अंदर। लोकोमोटिव होने वाला है वो होने वाला है WAP4, और पहले इसमें WAP7 लगा था, लेकिन समय को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए इसे भी चेंज कर दिया गया WAP4 में। आगे से आपको लुक दिखला देते हैं WAP4 का। अभी 1 घंटा समय है, हमने पहले ही चार्ज ले लिया अपने ब्लॉगिंग का, और ये देखिए सामने से लग रही है ना भाई, गंदी तो है, हो जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। टोटल टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन लेती है सासाराम से धनबाद के बीच में टोटल 6:55, और ये दूरी तय करती है 302 किलोमीटर, और उसके लिए मैंने बताया आपको 7 घंटे लेती है भाई साहब, और इस बीच इसका हॉल्ट होने वाला है टोटल 28 हॉल्ट, जो कि ज़्यादा है, बहुत छोटे छोटे स्टेशन पर रुकते जाते हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना इसीलिए। तो आज जो हमारी इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है वो होने वाली है जनरल के कोच में, इसमें सारे जनरल के ही कोच हैं, एक चेयर कार का भी कोच है, लेकिन वो पुराना वाला ICF वाला चेयर कार का कोच है, वो भी मैं आपको दिखला दूंगा, लेकिन आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है जनरल कोच में। तो जी ये हो गया इसका सेकंड क्लास यानी जनरल का कोच, तो आपको ले चलता है, अभी तो खाली है तो मैंने सोचा आपको दिखला दूं। यही है कुछ अपना जनरल का कोच, बिल्कुल विंटेज लुक। बहुत दिनों के बाद ऐसे जर्नी करनी, आपने वंदे भारत देखा, आपने वंदे भारत का देखा, अमृत भारत का देखा, नमो भारत का देखा, आज भाई तो एकदम मजेदार, बिल्कुल ऐसा मैं आपको दिखला दूं जनरल क्लास, बिल्कुल इंजॉय कीजिए ब्लॉग को। चलिए ये हो गया अपना जनरल क्लास, लगेज स्पेस अपना रखने के लिए, बिल्कुल ये लकड़ी वाला देख रहे हो, ये लकड़ी का ही है। ये हो गया अपना चार्जिंग सॉकेट, नीचे मैं थोड़ा सा फोकस करूँ इस पर, ये हो गया अपना चार्जिंग सॉकेट, फैन का स्विच विच, हैंगर यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैठने के लिए। बाकी जनरल कोच में तो वही होता है, मिडिल बर्थ नहीं होता है, आपको अपर हो जाएगा लोअर हो जाएगा, बाकी फैन तो है ही ऊपर। ऐसा क्या लुक आ रहा है देख रहे हो, ये होगा अपना जनरल क्लास। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस के। एक चेयर कार का भी कोच लगा हुआ है, बिल्कुल पुराना, मैं वो भी आपको दिखलाना चाहता हूँ, दिखला देता हूँ ठीक है। एक बात आपने गौर किया है, बिल्कुल भाई साहब देख रहे हो कोच का कंडीशन क्या हो रखा है, देखो ये चेयर कार का कोच। चलो मैं आपको दिखला दूँ इसका चेयर कार, पीले कलर का चेयर कार का कोच लगा हुआ है, देख लो भाई साहब वही है बिना एसी वाला चेयर कार, ये वही है भाई साहब, दोनों तरफ आपको चेयर कार वाला फील मिलेगा, लेकिन रहेगा सिर्फ तो जनरल वाला ही, बाकी आपको ऊपर रखने के लिए मिल जाएगा आपको जो भी है लगेज स्पेस, और ये हो जाएगा आपका, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे इसमें। जैसे मैंने धौली एक्सप्रेस में आज एक वीडियो अपलोड किया, 1 फरवरी को मैंने वीडियो अपलोड की थी धौली एक्सप्रेस का, जो जनरल कोच था बिल्कुल वैसा ही इसका भी है चेयर कार, तो यही है कुछ चेयर कार का फैसिलिटी, थोड़ा सा चार्जेज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेसिन वेसिन मिल जाएगा। बात करो अपने होम टाउन सासाराम रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये आता है गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मेन लाइन में, और ये वेल कनेक्टेड है दिल्ली और हावड़ा से, और ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जोन में। तो और बात करूँ यहाँ के स्टेशन कोड के बारे में, तो ये है इसका स्टेशन कोड है SSM, और भाई साहब ये एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा सासाराम रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ था छोटा मोटा हमारा सासाराम रेलवे स्टेशन का जानकारी, हमारी ट्रेन खुलने में बस 1/2 घंटा समय है, उसको बिताते हैं, उसके बाद सीधा आपको दिखलाते हैं डिपार्चर, और कुछ दिखलाने को होता है तो वो भी जरूर दिखलाएंगे। अभी अभी अनाउंस हुआ है कि हमारी ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है लगभग 1 घंटे के लिए।
भाई साहब मैं समय से पहले निकला था, आया था 1 घंटे पहले कि ट्रेन की जानकारी, और पूरा मस्त इसको बनाएंगे वीडियो, तो बनाया अच्छा। और अभी पता चल रहा है कि रिशेड्यूल हो गया हमारा ट्रेन 1 घंटे के लिए, पता नहीं आज ही क्यों, कल तो बिल्कुल टाइम से निकला था भाई साहब। कोई बात नहीं, अपनी रेल फायरिंग जारी रहेगी। तो जी अपने समय से लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन जो डिपार्चर ले चुकी है सासाराम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, और फिलहाल हमारा डिपार्चर हो चुका है सासाराम जंक्शन से। ये देख लीजिए अपना, अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होने वाला है, और यहाँ पे टैंपिंग मशीन जो है खड़ा है यहाँ पे। ये भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 4। हाँ जी आप बहुत ज़्यादा लेट हैं। करवा रहा है। चलिए जी सासाराम जंक्शन से अपना डिपार्चर जो है हो चुका है, इधर अपना डिपार्चर हुआ, इधर भाई साहब हाई स्पीड। गाइस तो मैं बता दूं, हमारी जो ट्रेन है ना लगभग 1 घंटे 50 मिनट की देरी के साथ चल रही है। मैंने कल शुरू बोला 1 घंटे 50 मिनट, वैसे इसको ऑन रिशेड्यूल किया गया था 1 घंटे के लिए, लेकिन क्यों रुका गया, क्योंकि साफ सफाई नहीं हुआ था, गार्ड साहब ने इसे ट्रेन को रुकवाया, क्योंकि उनका पूरा जो कोच था ना वो पूरा गंदा था, इसके चलते ट्रेन को जो है रोका गया था ज़्यादा देर तक। फिलहाल सारी मशक्कतें दूर हो चुकी हैं, हमारी ट्रेन डिपार्चर ले लिया है, अब इसका पहला हॉल्ट आता है तो आपको वो देख लाते हैं अराइवल और उसकी जानकारियाँ, ठीक है। अब मिलता है कुछ ही देर इसके पहले हॉल्ट। तो जी हमारा पहला हॉल्ट करवंदिया रेलवे स्टेशन, जो कि सासाराम से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये हमारा पहला हॉल्ट होने वाला है। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, देरी में भीड़ होने वाली है भाई साहब। जो अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने पहले हॉल्ट करवंदिया रेलवे स्टेशन, जो कि आता है सासाराम जंक्शन से बस 7 किलोमीटर की दूरी के बाद। अब यहाँ से इसका दूसरा हॉल्ट होने वाला है डेहरी ऑन सोन, तो वो आता है बस 17 किलोमीटर की दूरी है सासाराम से, और ये हमारा पहला हॉल्ट ज्यादा है। यहाँ पे पैसेंजर जो है बोर्ड किए नहीं है, बस मिनिमम पैसेंजर, मैं तो भाई अकेला हूँ, देख रहे हो मैं बिल्कुल अकेला हूँ अपने पैसेंजर कोड में, बिल्कुल अकेला। चलिए अब से मिलते हैं सीधा डेहरी ऑन सोन। करवंदिया से अपना डिपार्चर भाई लोग हो चुका है दोस्तों। डेहरी ऑन सोन भाई बहुत ज्यादा भीड़ है यार, बहुत ज्यादा, पूरा ट्रेन यहीं से पैक हो जाने वाला है। लगभग सासाराम से 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डेहरी ऑन सोन, जिसका स्टेशन कोड है DOS, और यहाँ हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 3:46, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंचे यहाँ पे 2 घंटे के डिले के साथ, मतलब 5:40, लगभग 5:40, 2 घंटे की डिले चल रही है। और बात करूँ डेहरी ऑन रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गई है दिल्ली वाली लाइन, हावड़ा वाली लाइन, और एक गई है पटना वाली लाइन। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है, और ये आता है सोन नदी के किनारे, यानी डेहरी ऑन सोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बैंक ऑफ सोन, इसीलिए इसको बोलते हैं डेहरी ऑन सोन। तो यहाँ से हमारा जो है टाइमिंग है 2 मिनट का सिर्फ हॉल्ट है भाई साहब। यहाँ पे मैंने आपको दिखलाया क्राउड कितना ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा, इनसेन क्राउड है भाई। और इसी के बाद हमारा आने वाला सोन नदी, तो वो भी आपको दिखलाएंगे, जो इंडिया का पहला ऐसा ब्रिज है 3 प्लेटफॉर्म यानी 3 ट्रेन एक साथ एक ही ब्रिज पे चलता है, तो वो भी आपको दिखलाएंगे। और छोटा मोटा जानकारी तो मैंने आपको दे दिया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा से कंट्रोल किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ से खूबसूरत सा डिपार्चर, और देखते हैं क्या अंदर का माहौल हो चुका है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो जो अपना जो डिपार्चर है वो डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से हो चुका है। इंडिया की पहली ऐसी ब्रिज, रेलवे ब्रिज, जो कि एक साथ 3-3 ट्रेन को मेंटेन करती है, मतलब एक साथ उस पर 3-3 ट्रेन जो है जा सकती है। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं, उसी के ऊपर बना है सोन नदी के ऊपर, जो कि डेहरी ऑन सोन के बाद आता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये ब्रिज, इंटर हो चुके हैं हम लोग ब्रिज पे, और एक ट्रैक पे देख लीजिए हम लोग हैं, और 2 ट्रैक आपको बगल में दिख रहा होगा ना, ये इंडिया का एक लौता ऐसा ब्रिज है जो कि एक साथ 3-3 ट्रैक को मेंटेन कर रहा है, और वो देख रहे हैं आप लोग सोन नदी, देख लीजिए भाई।
एक साथ तीन तीन ट्रैक को मेंटेन किया हुआ है हमारी इंडियन रेलवे ने, इंडिया का इकलौता ब्रिज है। और उस तरफ सुन रहे अभी पानी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल पानी नहीं है। तो भी लगभग सासाराम से 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अनुग्रह नारायण रोड, जिसका स्टेशन कोड है AUBR। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 4 बजे और हमारी ट्रेन पहुंची है 6 बजे। तो लगभग 2 घंटे पूरा, मतलब देरी में तो कम था 10-15 मिनट, वो उसने मेकअप कर लिया, मतलब 2 घंटे इसने पूरी तरह से लेट हो चुका है। और इसी के पीछे चल रही है जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, हम उसका क्रॉसिंग देखने के लिए भाई सब वेट कर रहे हैं। कहाँ क्रॉसिंग होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे तो नहीं होगा, इसके अगला स्टेशन पे जाएं रुकेगा ना, वहाँ पे क्रॉसिंग होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं अनुग्रह नारायण रोड के बारे में। तो ये नाम पड़ा है हमारे इंडियन फाइटर, फ्रीडम फाइटर अनुग्रह नारायण सिंह जी के नाम पे, अनुग्रह नारायण रोड उन्हीं के नाम पे। और बात करो इस स्टेशन के बारे में, तो ये भी आता है पंडित दीनदयाल डिवीजन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा से कंट्रोल किया जाता है। दिल्ली के लिए मेन लाइन, हावड़ा के लिए मेन लाइन, पटना के लिए मेन लाइन, और हाँ यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। तो यही था इसका छोटा मोटा जानकारी, और देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, और जहाँ भी हमें जलियांवाला बाग जो एक्सप्रेस जो है ओवरटेक करेगी वहाँ पे हम इसका अराइवल जो भी है देंगे। और हमारा डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, तो चलिए देखते हैं डिपार्चर। तो ये अपना डिपार्चर जो है हो चुका है अनुग्रह नारायण रोड से, और भाई साहब इसी के बाद जो है हमें ओवरटेक करेगी जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। तो ये देखिए अनुग्रह नारायण रोड, ये सब जैसे जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वैसे ही हॉर्न बज गया। तो जी लगभग सासाराम से 102 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GAY है। और यहाँ हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था लगभग शाम के 6 बजे और हमारी ट्रेन पहुंची है लगभग 7:30 बजे। लगभग आधे घंटे का हमारा मेकअप जो है किया हुआ ट्रेन ने। तो बात करूँ गया जंक्शन के बारे में, तो ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में। और यहाँ से क्या हुआ, दिल्ली के लिए मेन लाइन, हावड़ा के लिए मेन लाइन, पटना के लिए मेन लाइन, क्यूल के लिए मेन लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जंक्शन ये हो बोला जा सकता है। और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और गया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन को लगाया गया है। तो फिलहाल जितने भी पैसेंजर थे हमारी ट्रेन में सब लोग डिबोर्ट कर चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा कई ज़्यादा लोग जो है ट्रेन में बोर्ड किए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ और उसके बाद दिखलाते हैं यहाँ से सुंदर सा डिपार्चर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना भीड़, सभी ट्रेन से निकली है, और देखो पूरा फुट ओवर ब्रिज जो है जाम है, देख लो पूरा फुट ओवर ब्रिज जो है जाम चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़, वहाँ से पटरियों पर लोग उतर उतर के जा रहे हैं, देख रहे हो। और हमारी ट्रेन लगी उस तरफ, ट्रेन जो है खाली हो चुकी है। लगभग मुझे पानी का बोतल लेना है यार, वहाँ पे मिलेगा पानी का बोतल। और जो हम ओवरटेकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं, अब यहाँ पे हमारी सारी ट्रेनें जो है आएंगी, अब यहीं से जो है सारी ट्रेनें अलग हो जाएंगी। हम जो ओवरटेक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं भाई साहब, और मुझे पानी का बोतल लेना है, वहाँ पे मिलेगा वहीं। देख लो भाई साहब यहाँ से आप लोग पानी लेंगे ना तो आपको सस्ता पड़ेगा, जो आप लोग वेंडिंग लेंगे रेल नहीं लेंगे तो आपको 15 रुपये का पड़ेगा 1 लीटर, और यहाँ पे आपको 8 रुपये का 1 लीटर मिल जाएगा बोतल के साथ। और अगर आपके पास बोतल है तो आपको 5 रुपये का ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गया जंक्शन भी लिखा हुआ है क्यूल पटना गया के लिए, यहाँ पे ट्रेन जो है चेंज करें। देख लो यहाँ पे जो है जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, इसको हम लोग ओवरटेक के लिए सोच रहे थे, वो देखिए आए बहुत ही। और हमारी ट्रेन भी यहाँ पे डिपार्चर लेते हुए, चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। पानी का बोतल हमने ले लिया, क्या बात है। चलिए जी जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक कर लिया फाइनली। और ये रही हमारी गया जंक्शन, क्या बात है। ऐसा हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 घंटे लेट पहुंची है, मैंने आपको बताया ही, ये हो गया हमारा डिपार्चर। तो जी अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कोडरमा जंक्शन, देख लो यही है कोडरमा जंक्शन। भाई साहब बाहर निकल रहे, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, देख लो यहीं से कोडरमा जंक्शन। हमारी ट्रेन आई है बिल्कुल 2 घंटे के डिले के साथ, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन को लगाया गया है। तो
3 hours later. जी फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं धनबाद, झारखंड के धनबाद। तो टोटल डिस्टेंस हमने सात साल से कवर कर लिया है 300 किलोमीटर। तो टाइमिंग और पंक्चुअलिटी के बारे में बात करो तो अगर रीशेड्यूल नहीं हुआ तो ट्रेन तो हमारी बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन जो है धनबाद आ जाती। तो पंक्चुअलिटी के बारे में अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल एक नंबर है। पेंट्री कर इसमें है नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 7 घंटे की जर्नी होने वाली है, पेंट्री कर है नहीं, फुल्ली जनरल कोच है। तो फाइनली हमारी जर्नी होती है कम्प्लीट। कैसी लगी आपको जर्नी कम्प्लीट, कैसी लगी आपको जर्नी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।